स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का पेपर आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा का पूरा रियल पेपर है, 101%। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 70 पूर्णांक का ये पेपर है। पहला क्वेश्चन है, कोई पदार्थ 1 माइक्रो से आवेशित है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकतम या कमी होगी। अति चालक पदार्थ की चालकता होती है। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा। एक ही पदार्थ परंतु अलग अलग लंबाई के दो चालक द्वारा तारों का प्रतिरोधन समान है, इस संदर्भ में सही कथन है। एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, कण का पथ होगा। किसी विद्युत परिस्थिति कुंडली के विद्युत जड़त्व को प्रदर्शित करने वाली राशि है। बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगों का आकार होता है। आगे पढ़ते हैं। 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर क्वेश्चन हर डाउट का सोल्यूशन मिलेगा आपको सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने फोन में व्हाट्सएप का 8400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन करके जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप करके सेंड कर दीजिए और 5 सेकंड के अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT JEE मेंस, नीट, CBSE एंड अदर स्टेट बोर्ड सभी के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए डाउटनेट के 8400 400 400 व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाउट सेंड कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। देखिए दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम को खोलना है, इसके सर्च बार में जाना है और यहाँ पे डालना है शर्मा ऑनलाइन स्टडी। शर्मा ऑनलाइन स्टडी डालोगे तो दोस्तों इस प्रकार का ये दोस्तों हमारा पुराना चैनल था जो सर्च रिजल्ट में आ रहा है, लेकिन दोस्तों चैनल हमारा हैक हो चुका है, अब मैं इस पर एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। जो नया चैनल है जिसके 656 मेंबर है, आपको इस पर क्लिक करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम यहाँ पे जितनी भी वीडियोस है वो यहाँ पे डालते रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, पेपर्स वगैरह हम यहाँ पे डालते रहते हैं। तो इस वीडियो ये यहाँ पे चैनल पे जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं से प्रारंभ होती है। किरचॉफ का प्रथम नियम डैश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चुंबकीय के क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को डैश कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर डैश के अनुपाती होती है। प्रत्यावर्ती LC परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य डैश का प्रांतर होता है। ध्रुवण की घटना केवल डैश बंधन में होती है। किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए बीम का कोणीय साइज प्रतिबिंब के कारण साइज के डैश होता है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, कूलम्ब बल और गुरुत्वाकर्षण बल में मुख्य अंतर क्या है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। धारावाही विद्युत पास की चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लिखिए। इंद्रधनुष बनने के लिए आकाश में सूर्य की स्थिति के लिए आवश्यक सूत्र बताइए। +20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता बताइए। जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 है तो एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ी बनाइए। कुछ प्रश्न क्रमांक नंबर 5 है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए, विद्युत आवेश के 2 गुण लिखिए। आगे बढ़ते हैं। किसी कार को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। किसी सेल का मापने के लिए वोल्टमीटर की अपेक्षा विभव माप अधिक श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। 3 ओम के 3 प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। किसी कार के संचायक बैटरी का 12 वोल्ट है, इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, तो इस बैटरी से अधिकतम कितनी धारा ली जा सकती है। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, साइक्लोट्रॉन क्या है, यह किस तत्व पर आधारित है। लॉरेंट्ज़ बल के आधार पर चुंबक के क्षेत्र B की मात्रा को परिभाषित कीजिए। फैराडे के विद्युत चुंबक के परिणाम के नियम लिखिए, लेंज का नियम लिखिए। किसी संधारित्र पर AC वोल्टता प्रयुक्त की जाएगी, इसके लिए फेजर आरेख बनाइए। पूर्ण और आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक क्षेत्र लिखिए। ताप बढ़ने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है। 8VVU की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम को श्रेणी क्रम में 15.5 के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के DC स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी के टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। आगे बढ़ते हैं। किसी धारा पर वृत्तकार व पार्श्व लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। प्रश्न क्रमांक नंबर 16 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक नंबर 17 और 18 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। प्रश्न क्रमांक नंबर 19 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे करा दिए हैं।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको उसका सॉल्यूशन का वीडियो चाहिए तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना दिए, टारगेट है 500 लाइक का। जी हाँ, 500 लाइक का टारगेट है, अगर आप छोड़ देते हैं तो हम इसको ऐसा कर देंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।